हेलो नमस्कार, आप सभी को हमारा हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीष। चिरंजी और बस स्वागत है आपका हमारी सास बहु की रसोई में, स्पेशल रसोई है ना। हाँ। तो आज देखो हम लोग बहुत ही अच्छी चीज बना रहे हैं। हाँ। व्यंजन, पहाड़ी व्यंजन बना रहे हैं, जो कि मम्मी आपको बताएंगी क्या बना रहे हैं। सफेद भट्ट, तो ये भूंगे लाए हैं, सफेद भट्ट तो मिल गए है ना। हाँ, तो इनको साफ कर दिया हमने, छान दिया है, पटक दिया है और देखते हैं बनाते हैं भटकी चुटकानी। हाँ, तो मम्मी बनाती है ये, बहुत सारी चीजें जो मम्मी बनाती है, ये भी मैंने हाँ। इनको भी बहुत टेस्टी लगती है ये। हाँ, खुश हो जाएगा आज ये बनेगा भटकी। हाँ, तो पापा को बहुत पसंद है भटकी चुटकानी और मम्मी बनाती हैं ये। तो भट क्या होता है, यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कल मम्मी और मैं दोनों निकले थे पहाड़ी चीजें ढूंढने के लिए, तो हमें दो तीन चीजें मिली वहाँ पे पहाड़ी, तो हमने वो दुकान मतलब देख ली है, तो वहीं से हम लोग लेकर आएंगे। सब पहाड़ी गंडेरी, पहाड़ी भांग, भट मिल गया, सब कुछ। हम लोग बहुत हैप्पी हो गए, ये सब चीजें यहाँ मिल रही है, मतलब बना सकते हैं अपना। हाँ, है ना, तो अच्छा लगता है ना। हाँ, तो आज हम लोग बना रहे हैं हमारी सास बहू की रसोई में पहाड़ी भटके चुटकानी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और वहाँ पर देखो मम्मी ने इतनी अच्छी आग जला दी है। ठीक है, तो आज दिन का हमारा ये लंच बन रहा है, हमारा चूल्हा भी पूरा साथ दे रहा है। तो मैं आपको ना भट्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर कमेंट आएगा भट्ट, जो लोग भट्ट नहीं पता जिन लोगों को ना, तो भट्ट नहीं ऐसे होते हैं, काले भी होते हैं और ये सफेद भट्ट भी होते हैं। तो सफेद भट्ट की चुटकानी बनती है, ये देखो ये मम्मी ने साफ कर दिए अच्छे से और आग बहुत अच्छी जल गई है। साथ में ये हमारी कढ़ाई जिसको आज हमने राख से लेप दिया है मट्टी की जगह, तो ये लगाना है मम्मी का क्या? ये 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 हाँ लगा देंगे। तो ये इंतजाम। हाँ, तो बस ये हमारी कढ़ाई, जय हो नीले। और वहाँ पर आप देख रहे हो सामान हमने काट कूट कर रख दिया है, जैसे कि लहसुन, प्याज, टमाटर के प्यूरी इसमें ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इससे इसका ग्रेवी अच्छी बनती है। सरसों का तेल, बेसन, जीरा और हींग, और साथ में हमारे मसाले। तो बस मम्मी ने अब बहुत बढ़िया सी आग जला दी है, अब मैं दिखाती हूँ मम्मी कैसे बना रही है। ठीक है ना, बहुत है कड़वा तेल में, थोड़ा तेल डाल दिया मैंने, ज्यादा डाल दिया पर थोड़ा डाल दिया, तो ये भट वो कर दूंगी इसमें फ्राई ना, थोड़ा थोड़ा भूनना है, मतलब इनको हो गया ये। ठीक है, कब तक भूनना है बता दो, जरा ये ब्राउन हो जाए ना, थोड़ा चटकने लग जाए, चटक रहे, ये चटकने लग जाए थोड़ा, तो ये फ्राई हो जाते हैं, तो इसका स्वाद अलग आता है, ठीक है, भूने का ना चटक रहे हैं, ये चटकने लग रहे हैं, तेल मैंने जरा ज्यादा डाल दिया। तेल को भूनना है थोड़ा ना, थोड़ा ब्राउन हो जाए, हल्के हल्के ब्राउन हो जाए, तो स्वाद अलग आता है, कच्चापन पलटे से निकाल दो ना। तो ये हो गए हैं ब्राउन, खुशबू आ रही ना। अभी खुशबू आ रही है भट्ट की, थोड़े ब्राउन हो गए। हाँ, ये बड़े स्वाद होते हैं, इनको वैसे भी खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत तो भून के भी खाओ सर्दियों में, ये तो बहुत ताकत की चीज है, गाँव में कहाँ से बादाम खाने, भटी खाते भून मान। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हो अच्छे से भट भून गया, इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर होते तो आपको खुशबू का पता चलता, भट्टी खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी आ रही है, तो ये देखो अच्छा हो गया, आग अच्छा साथ दे रही है। हाँ, अग्निदेव प्रसन्न है। हाँ, तो मम्मी ने इसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी जाएगी इसमें हींग, और ये है प्याज और लहसुन, मम्मी ने इसमें डाल दिया है, अब इसको भून लेना है। चलो मम्मी बाकी आप बोलो, भूनना है बस, है ना, इसको ब्राउन करने तक भूनना है,
बहुत ही स्वाद बनता है ना, तो आप लोग भी बनाइएगा। हाँ और कल जिन जिनसे हम लेकर आए ना जिस शॉप से, वो भैया भी पूछ रहे थे आप इसको कैसे बनाते हो, क्योंकि हम लोग बहुत खुश हो गए थे ये चीजें देखकर ना। नहीं जानते, मैं देसी बोल रहे हैं ना यहाँ के, तो वो लोग इतना जानते नहीं थे, वो पूछ रहे थे आंटी कैसे बनाते हो आप, तो मम्मी ने बताया था ऐसे करके बनाते हैं, तो खुश हो गए थे कि ये लोग इतना खुश हो गए इन चीजों को देख कर। हम भी बनाएंगे घर से। हाँ सही है। हाँ आपको कम कर दो फिर है ना। ये देखो ये बेसन डाल दिया मैंने प्याज के साथ, ही थोड़ा भून लिया ना, जितना डालना है अपना रस उस अनुसार। बहुत है ना, बहुत है, ज्यादा हो जाएगा ना। ये डाल दिया है, तो यहाँ पे मम्मी ने बेसन डाल दिया है और इसको ना भून लेना है, जलाना नहीं है, भून लेना है अच्छे से। तो इसका स्वाद अलग आएगा। हाँ तो आप लोग जरूर बनाना, बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छी होती है। हाँ तो मम्मी तो इसे बनाती रहती है, हमने तो खाई हुई है, तो आप भी अपने घर में खाना बनाना। तो देखो इसको ना ऐसे करके भूनते रहना है, हल्की सी खुशबू आएगी ना इसकी धीमी धीमी, तो यानी कि ये हो जाएगा। घरों में तो आटा वटा डालते हैं है ना, तो बेसन है ना, आटा वटा डाल देंगे गाँव में, पहाड़ों में तो बेसन डाल दे, इसका स्वाद लगाता है। यहाँ पर देखो भट्ट कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इनको ऐसे भी खा लो ना बहुत टेस्टी लगता है। देखो ब्राउन हो गए, इनको भी इसमें डाल दे तेल है ना, तो बस मम्मी ने बेसन के साथ भट्ट को भी डाल दिया। हाँ तो बेसन की खुशबू आने लगी है, तो ये मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। ये चार से पांच टमाटर है, देसी टमाटर हाँ देसी टमाटर ही डाले हमने, तकरीबन इतने खटास होती है ना, तो बहुत टेस्ट होता है, खट्टा डालने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बहुत जल्दी बन जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, फटाफट बन जाता है ये चूल्हा साथ दे तो फटाफट जाता है, जब फूफू करते रहो। इसमें धनिया डाल दिया है अपने स्वाद अनुसार, धनिया हल्दी और मिर्च कितना देखो, हाँ डाल दो तेज मिर्च जहरी भी। हाँ ये सोच समझ के डालनी पड़ती है। तो मसाले मम्मी ने डाल दिए हैं बेसिक मसाले, अब इनको बहुत अच्छे से ना भून लेना है, टमाटर को भी और मसालों को भी, बाकी मम्मी बताएंगी। बस तैयार है, आसान है, जहाँ से डालो फटाफट बनाओ खाओ। हाँ तो इसको भूनना है ना मम्मी अभी, नमक बाद में। अच्छा दिमाग रास कम हो गई, मेन सवाद का तड़का तो डाला नहीं, ये नमक है स्वाद के अनुसार। हाँ बस बहुत है इतना ना। हाँ तो बस अब टमाटर को बहुत अच्छे से भून लेना है, तो जब ये भूने का फिर हैं टमाटर देखिए, तो इसमें खट्टा कुछ नहीं डालना है। हाँ ये खट्टा नहीं है तो थोड़ा सा डाल दो, हम जूर डाल दो है ना। हाँ तो अच्छा जाता है खट्टे से, इसको तो बढ़िया आ जाएगा है ना। तो ये देखो मटकी चुटकानी, अभी तक हमने जो भी खाना बनाया है ना चूल्हे पे, सबसे जल्दी खाना यही वाला बन रहा है टचवुड क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली चीजें हैं, और सबसे अच्छी बात है कि चूल्हा आज बहुत टचवुड अच्छा साथ दे रहा है, तो बहुत अच्छे से बन रहा है जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे। हाँ हाँ वहाँ पे बोले भगवान साथ दे रहा है, मिल रही है। हाँ देख लो सच्ची बात है, और कहीं तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मुझे बोलती है कि हम ऐसा करेंगे हम लकड़ियाँ ना खरीद लेंगे, क्योंकि अब लकड़ियाँ यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम फिर मिल गए हैं पड़ोस में, दीदी थी इतनी अच्छी हमारी, तो उन्होंने भिजवा दी थी कल, हाथ उनके जो उनकी मेड है उनके हाथ भिजवा दी थी ना, तो ऐसे ही होता है क्योंकि मम्मी ने ना यहाँ पर मतलब काफी अच्छी मतलब अपनी बोलते हैं ना, मम्मी को लोग बहुत अच्छा बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, तो वो दीदी भी मम्मी को बहुत मानती हैं, तो एक बार बोलने में वो देख दे दिया था। बोलो ये भुना हुआ है बेसन भट भुन रखा है, तो इसलिए पानी डाल दो है ना। हाँ, मसाला हो गया है, बस ये अपना होगा तो अलग अलग हो जाएगा, छोड़ देगा ना। हाँ जब मतलब पानी पकता रहेगा ना ये हो जाएगा, तो ये अपने आप हो जाएगा, बस अपने पानी अपने
देख लो कितने डालना है, कितने लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बेसन भी है ना, वो भी गाढ़ा होता है फिर अभी ना, बहुत स्वाद बनेगा। हाँ, एक तो मतलब चूल्हे पे बन रहा है, दूसरा मम्मी बना रही है। हाँ, पापा का तो बहुत फेवरेट है ये खाना, वो तो ये मिल जाए रोज तो खुश है। हाँ, और एक टमाटर का झोल है, उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी पापा का बहुत फेवरेट है, टमाटर का झोल। देसी टमाटर का बनता है वो, हाँ, खट्टे वाले ना। तो इसको ऐसे देखो, ऐसे मिला रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी जो भी लम्स आप देख रहे हो ना, सब हट जाएंगे, ये हट भी पक जाएगा। हाँ, गर्म चीजें ताजी, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही हम बना नहीं रहे, हम तो खा ही रहे, आप भी अपने घर में बना के खाओ, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगा, आपकी तारीफ भी होगी। चलो, तो मेरी तारीफ बहू कर रही है। नहीं, तारीफ तो मम्मी तारीफ के लायक है, खैर मैं क्या तारीफ करूं। अच्छी डिश बना के खिला देती हूं। हाँ हाँ, और क्या, सीख जाएगी फिर। हाँ, और क्या, मैं तो मम्मी से बहुत कुछ सीखा है, मतलब ना। हाँ, ये भी मम्मी ने बना के मुझे फर्स्ट टाइम खिलाया था, मैंने पहले कभी मम्मी को, है ना, जब हम रहेंगे नहीं, याद रखिएगा, देखो मम्मी कैसे डिश बनाती थी, क्यों नहीं रहो, यूट्यूब में देखती रहेगी, है ना। अरे हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे, यादगार है तो ये भी ना मुझे मम्मी ने पहली बार बना के खिलाया था, भटकी चुड़कानी, यहीं पे मैंने पहली बार शादी के बाद खाया था। तो चलिए इसको उबलने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बेलपत्री भी लग रही है, ये देखो, तो ये बेलपत्री का पौधा ही मम्मी ने लगा रखा है, और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहा है, ये देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मम्मी पापा ने यहाँ पे लगवा रखी हैं। ये है, और एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखो, तेज पत्ता भी लगा रखा है, ये देखो, अभी तो हम मार्केट से तोड़ते हैं, लेकिन हमारे घर में है इसका प्लांट, तेज पत्ता का, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, कभी आपको आराम से दिखाऊंगी मैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे अपने किचन गार्डन के अंदर ही मैं आपको लेकर आ गई हूँ। ये भी लगा रखा है हमने, लेमन ग्रास, ये मैं आपको दो तीन चीजें दिखा रही हूँ, लेकिन हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगाई हैं, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो ये लेमन ग्रास लगाया, इसकी कटिंग करी थी कुछ दिन पहले, इसलिए थोड़ा छोटा हो गया, ये बहुत ज्यादा फैल गया था। ये हमारा लेमन, वो लेमन ट्री है, और ये भी लेमन ट्री है, और यहाँ से मम्मी भी दिख रही है, बैठी हुई है मम्मी उधर, तो ये है। ये तुलसा जी लगा रखे हैं, ये मतलब अपने आप हो रखे हैं तुलसा जी तो। हाँ, ये देखो, ये देखो, इतना बड़ा तुलसा जी हो रखे हैं, तो ये मम्मी ने ना बांध दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गई थी ना, तो ये अपने आप से हो रखे हैं ये। तो बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूंगी हमारे घर में क्या क्या चीजें लगी हैं, बहुत अच्छी वाली, मतलब यूजफुल चीजें ना, ऐसे नहीं, यूजफुल चीजें बहुत हैं। और यहाँ पे देखो, ये पकना शुरू हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट और ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, मम्मी और मैं बैठ के किनू खा रहे हैं, और हरे नमक के साथ, क्योंकि इस टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं फ्रूट ना, तो धूप है इसलिए खाया जाता है। तो चलिए हम खाते हैं ये, तब तक वहाँ पे भटकी चुटकानी जो है उबल के पक जाएगी, ठीक है। तैयार हो गया है भटकी चुटकानी हमारी, बिल्कुल तैयार है। ये धनिया डाल दिया ऊपर से, इतनी जल्दी बनी है, मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चला। ये देखो, तो इसमें ना ऊपर से तड़के की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है, तो बस इसको मिक्स कर देंगे, और ये देखो भट भी अच्छे से पक चुके हैं, तो भटकी चुटकानी रेडी है बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे चावल भी बन गए हैं, भात हमारा, ये भी सर्व कर रही है अभी। ये देखो हमारी थाली लग रही है, थाली, वाओ।
बस बहुत है, पहाड़ी खा लेते हैं ये देखो। और साथ में, और यहाँ पे साथ में देखो मम्मी ने सैलेड भी बहुत अच्छे से, सलाद भी कट करा है और डेकोरेशन करी है बहुत अच्छी, ये देखो। यहाँ पे हमारी जो भट्ट की चुड़कानी है और भात बनके तैयार हो गया है, और यहाँ पर देखो मम्मी ने इतना अच्छा सलाद भी काटा है। तो आज का हमारा जो लंच है, पहाड़ी लंच, वो है ये भट्ट की चुड़कानी और भात, साथ में हमारे मूली और खीरे का सलाद। और पीछे देखो कढ़ाई अभी रखी हुई है हमने ताकि वो गर्म रहे। तो खाने का टाइम हो चुका है और रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जरूर से अपने घर पे इसे बनाइएगा। हम बिल्कुल गारंटी देते हैं कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। भट्ट ना आपको किसी भी परचून की शॉप में मिल जाएगा, इजीली आजकल मिल जाएगा। तो चलिए अभी बोलो मम्मी कुछ। अब बोलो बस तैयार हो गई है रसोई, है ना। हाँ तो चलिए मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे लंच, डिनर या फिर किसी भी ब्रेकफास्ट में। मेहनत को आगे बंदर, चलो ये देखो यहाँ दिखा दे, ये देख रहे बंदर पहले यहाँ पे आ गए, बोले इन्होंने देख लिया खाना तैयार है, आगे मेहमान बन के। ये देखो आंटी, यहाँ देखो आंटी के इधर भी आ गए, वो देखो क्या खा रही है। तो आप लोग देख रहे हैं बंदरों ने बाय भी करना तो स्वागत कर दिया। ये भटके चुटकाने की खुशबू सूंघे आ गई, सिर में नाच रहे, ये ऊपर में बैठे हुए थे, ऐसे वीडियो का एंड भी करने दे रहे थे, ऐसे बंदर हो रहे थे। तो चलिए छत से कूद रहे, सिर में कूदेंगे कहीं चुटकानी में, और टेस्ट हो जाएगी चुटकानी। तो चलिए एक मिनट, चलिए चलिए कर जल्दी, बंदर आ रहे हैं, चलिए चलिए झपट्टा मारेंगे, चलिए चलिए। ये मुझे तो डर लग रहा है ऊपर देना है। तो चलिए तो चलिए वो देखो आ गया, चल चल चलिए। तो चलिए इस रेसिपी को आज हम यहीं पे खाते हैं और एंड करते हैं। नए वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, ठीक है ओके बाय।